नमस्कार दोस्तों, रोचक जानकारी में आपका स्वागत है। सभी दुखों का इलाज है नमक के ये सात उपाय। जी हाँ दोस्तों, आज से ही आप ये सात उपाय अपना लें और आपके जिंदगी के सारे दुख खत्म हो जाएंगे और आपके घर में सुख और समृद्धि आ जाएगी। नमक को नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने वाला माना जाता है। माना जाता है कि नमक में ऐसे गुण होते हैं जो आपके घर के और घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा है तो उसको ये बहुत ही जल्द ख़त्म कर देती है। तो आज हम बात करते हैं नमक से के साथ ऐसे उपाय की जो आपके जीवन में दुखों को ख़त्म करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। किसी का नमक खाने से पहले सोचें। सुखी रहने के लिए किसी शत्रु या पापी पुरुष के यहाँ का नमक बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। हर कहीं का नमक या नमकीन ना खाएं, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। ग्रह कलेश से बचने के लिए सेंधा या खड़े नमक का एक टुकड़ा अपने बेडरूम के कोने में रखें। इस टुकड़े को महीने भर के बाद बदल दें और दूसरा नया टुकड़ा रख दें। इससे पति पत्नी के बीच होने वाले कलेश नहीं होंगे। इसका दूसरा उपाय है हमारा धन का प्रवाह बनाए रखने के लिए। घर में अगर पैसों की कमी हो रही है, पैसा नहीं रुक रहा है, तो घर में धन का प्रवाह बनाए रखने के लिए कांच का एक ग्लास लेकर उसमें पानी और नमक मिलाकर घर के तृतीय कोने में रख दें और उसके पीछे लाल रंग का एक बल्ब लगा दें। पानी और नमक बदलते रहें। वास्तु दोष से ऐसे बचें। एक कांच की कटोरी में खड़ा नमक भरें और इस कटोरी को बाथरूम और टॉयलेट में रख दें। हर माह कटोरी का नमक बदलते रहें। गुरुवार को छोड़कर घर में नमक के पानी का पोछा लगाएं। रोगों से मुक्ति करने के लिए अगर आपके यहाँ पर कोई भी लंबी बीमारी से परेशान चल रहा है तो उसके लिए भी आप नमक का उपाय कर सकते हैं। उसके सिराने कांच के एक बर्तन में नमक रखें। एक सप्ताह बाद उस पानी को बदलकर दोबारा नमक रख दें। धीरे धीरे सेहत में सुधार होने लगेगा। मन की बेचैनी मिटाए नमक। यदि मन अशांत, चिंतित या बेचैन है तो नमक मिले हुए जल में स्नान करें। इसके अलावा दोनों हाथों से साबुन नमक भरकर कुछ देर रखे रहें, फिर वॉश बेसिन में डालकर पानी से बहा दें। नमक को इस तरीके से बहाने से मन की बेचैनी भी समाप्त हो जाती है। शनि के दुष्प्रभावों से भी बचाता है नमक। यदि भोजन करते समय आपको दाल या सब्जी आदि में नमक या मिर्ची कम लगे तो ऊपर से ना डालें। ऐसे में काला नमक या काली मिर्ची का प्रयोग करें। ऐसा करने से शनि, चंद्र और मंगल का दुष्प्रभाव नहीं होगा। तो दोस्तों, ये मैंने आज आपको सात ऐसे उपाय बताए हैं, सात ऐसे टोटके बताए हैं जो आप अपने घर में कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही लाभ होगा, आपके घर में सुख और शांति बनी रहेगी। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक का बटन भी जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।